हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। शुरू करते हैं आज का दिन एक नए ब्लॉग के साथ। सबसे पहले तो स्वागत है आपका उत्तराखंड की हसीन वादियों में। मेरा नाम है अमित नेगी, मेरे गांव का नाम है तैला जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और आज है संडे तो छोटू हमारे घर पे आ रखा है। क्या हाल है, किस स्पेशल कैंदिनी श्यामलावालों ने तो दोस्तों गाँव में अगर कोई भी फंक्शन होता है या कोई लड़की अपने मायके से घर आती है अपने ससुराल, तो ऐसे लड्डू या फिर अड़से दिए जाते हैं। और आज संडे है तो सभी बच्चे लोग घर पे हैं। अभी तक कहाँ था, पानी के लिए जा रखा था। ये मस्त मजा भी है। मजा है आज, मजा कहाँ कहाँ जाएगा आज क्रिकेट खेलने हैं। पहाड़ी बच्चों में क्रिकेट का बहुत जुनून रहता है। बाकी अभी सोमे और सुनैना को अंदर बांध दिया, अब सीधे चलते हैं नानी के घर। गाइस अभी हमारे घर पे आ रखा है प्रांजल, एबीसीडी बॉय। हेलो प्रांजल, इधर आ जाओ, आप एबीसीडी सुनाओ। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर अल्पा एप्पल पिस, जी फॉर ग्रेप्स, एच फॉर आम, आई फॉर आइसक्रीम, जे फॉर जक, के फॉर काइट, एल फॉर नाया, एन फॉर मंकी, एन फॉर नेस्ट, ओ फॉर ऑरेंज, पी फॉर पेन, क्यू फॉर क्वीन, आर फॉर एबी। यहां क्या छुपा रखा है, या किसने दिया, दादी ने। तो दोस्तों आज संडे है तो प्रांजल हमारे घर पे आता रहता है क्योंकि अब ये स्कूल भी जाने लगा है। तो एबीसीडी देखो कितनी फास्ट और कितनी अच्छी बोल रहा है। लेकिन इसको आ गया बल, कौन क्या पसंद आया तेरे को, इसको कुत्ता पसंद आ गया और ये जिद कर रहा है कि मेरे को चाहिए। और इनका घर जस्ट यही नीचे पे है, जैकी को मैं इसको दे रहा हूँ। गाइस अब जैकी विदा होगा आज हमारे यहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, जस्ट ये बगल वाले घर में, तो आस पड़ोस में रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये प्रांजल बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है, घर पे खाना भी नहीं खा रहा है, इसको डॉग चाहिए बल। और डॉग लेने के लिए हमारे घर पे आ गया, आज संडे है तो इसीलिए इसका घर आना हुआ हमारे। और अभी आयुष लेके जाएगा नीचे प्रांजल के घर पे तक। प्रांजल तो बहुत छोटा है, कुत्ते ही बराबर है। बाकी साक्षी को बेकार भी लग रहा है, बट पड़ोस में कुछ भी चीज एक दिन भी रहती है ना साथ में, तो फिर इतना बुरा लगता है इसको, तो दो तीन महीने हो गए। हाँ मम्मी बोल रही है, अपना घर तो है यहाँ पे, मेरा दूर थोड़ी नहीं है। अब दो कुत्ता ना, एक इधर रो रहा एक उधर रो रहा, एक के लिए दूध हो रहा एक के लिए नहीं हो रहा, दोनों दूध पीने वाले हैं, खाना खाने वाले हैं। तीन दिन कुत्ता पालने पड़ रहा है, एक कुत्ता अमित हो गया। बाकी दोस्तों ये देखो मम्मी का थोड़ा ठीक हुआ है, पर सूजन ऐसी है गाल में। दोस्तों ये दोनों भाई आसपास रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इस वजह से मैंने पड़ोस में ही दिया। दूर दूर से बहुत सारे YouTube कमेंट भी आ रहे थे कि भाई जी हमें दे दो, हमें दे दो। लेकिन मैं चाहता था कि वो हमारे पास ही रहे, मतलब आसपास, ताकि हम उसकी देखभाल भी कर सकें। देखभाल जहाँ हमने दिया है वहाँ भी बढ़िया होगी। बाकी मम्मी और मैं जा रहे हैं अभी नानी जी के यहाँ, वहाँ मामा जी के मकान का काम चल रहा है, तो सीधे वहीं चलते हैं। अभी ये बेचारा अकेला हो जाएगा एक दो दिन। हेलो, ये अभी से उदास दिखाई दे रहा है। अभी चलते चलते रास्ते में हमें हमारा दोस्त रिंकू भी देखने को मिलेगा। मेरी आवाज सुनेगा ना, चल। अभी देखा आपने, मेरी आवाज सुनते ही बौखला गया भाई, जबकि मैंने कभी कुछ किया ही नहीं है। तो आजकल समझ में नहीं आता है कहाँ बाइक खड़ी करें, कभी यहाँ तो कभी वहाँ करनी पड़ती है। और गाइस अभी पहुँचा हूँ मैं अपने गांव के मेन पॉइंट पे। पहले यहाँ पे गाड़ियाँ लगती थी। बाकी भैया और भाभी जी ने यहाँ पे मकान बना रहे हैं, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। हाँ अभी तो काम शुरू हुआ है, मकान बनने तक काफ़ी समय लग जाता है। हमारा गाँव पूरा ख़त्म भी नहीं हुआ था, नानी गाँव लग चुका है। वो सामने जो आप गांव देख रहे हो वो है नानी गांव, वार्ड गांव, जिस गांव के लिए मैं फौजी गांव भी बोलता हूँ। लेकिन वहाँ जाने तक पापड़ बेलने पड़ते हैं, सड़क बहुत ख़राब है, रोड इतनी खतरनाक है कि मम्मी को पैदल आना पड़ रहा है। गाइस यहाँ पे जो सूखे पेड़ थे ये सब लेबर लोग तोड़ रहे हैं, ताकि उनको आग जलाने के काम आ जाए रात को खाना बनाने के। पंकज भाई और सुनील भाई जा रहे हैं जंगल में लकड़ी लेने के लिए, सर्दियों के काम आएगी। गाइस अभी पहुंच चुके हैं नानी गांव, 3-4 किलोमीटर का रास्ता, लेकिन बहुत हार्ड रास्ता है। मम्मी आई दूसरे रास्ते शॉर्टकट, इसका नाम है सेरा, ये नानी लोकट हो गए, बहुत शांत है।
और ये शांत उन्हीं के लिए है जो इसको पहचानते हैं, वरना ये पूरा जैसा दिखता है ना उतना ही खतरनाक है शेर। ये हमारे हिसाब से चलता रहेगा सिरा। और यहाँ दो डॉग पाल रखे हैं। हेलो नाम ठीक है। हेलो गाइस कैसे हो, नाम तुम कहना चितिन, तुम कहना भेज भी क्या भेज क्या बुआ भी गया, मम्मी भी आ गया, मैं भी गया, मैं हेलीकॉप्टर है उड़ा। वाह जी वाह। और अभी मामी जी और हम आ रखे हैं गौशाला में गाय भैंस को पानी पिलाने के लिए। ये देखो भाई, ये लोग अंदर जाने नहीं देंगे। नानी भी आ गई है। नानी प्रणाम। गाइस अभी पहुंच चुके हैं नानी लोगों के घर की दूसरी साइड। और इधर भी देखो भाई, दो कमरे बनने को तैयार हैं। परसों यहाँ का काम चालू हुआ था और आज देखो काफ़ी सारा काम भी हो गया है। और मिस्त्री देखो इतनी दूर दूर से जाने माने बुला रखे हैं, स्पेशल दादाजी क्यों जैसे, और बुड्ढा जी बुला रखे हैं कुमड़ी से। बाकी दोस्तों जो ये दो कमरे बन रहे हैं, जस्ट इसके ऊपर सड़क है। इन्होंने अपना शिकार देख लिया, आप देखो हैं, अब दोनों भाग के जाएंगे। काना के पास देखो, काना बनाएगा ब्लॉग। काना ब्लॉग बनाओ। बेड भी ईट आया। यस ईट, ये क्या है? ईट। हाँ दोनों भैया ईट आया, मैं भी ईट आया। हेलो गाइस तुम, मैं भी ईट दी जाया। हेलो गाइस, कौन है नाना? नाना लगाए थे जो नाना है ये मेरा। मैं खा रहे हैं भैया मैं। हेलो गाइस कैसे हो, हम खाना खाया, बेड में खाया खाना, खाया खाना, खाना भी दिखा दे, खाना इधर है। हेलो गाइस कैसे हो, चितिन तुम का कहना नाम, चितिन तुम का कहना इधर इधर लिया फोन। बुल्ली के लिए नहीं दे रहा खाना? बुल्ली खंडे नहीं खाती है, टेबल में रख के खा, थारी टेबल में रख के खाते। हेलीकॉप्टर है ये, बेकार चीज है, आंख में लग जाएगी ना, तोड़ दे इसको। उसने अपनी बहन के आंख पे मार दिया था, बताऊ मैं इसको तोड़ इसको तोड़ता मैं। हाँ तोड़ के फेंक दे, गंदी चीज, छी फेंक, नीचे फेंक क्या, छी। गुड बॉय गुड बॉय। भुली कहाँ है? इसका नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? काना। उसको फेंक दे नीचे, पंखुड़ी को नीचे फेंक दे, गंदी चीज, छी 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 फेंक। गुड बॉय। ये अपने शिकार पे फिर भागे भाई साहब। ये किसकी गाड़ी है? छी बेकार है, फेंक दे इसको, गंदी चीज है, गंदी चीज है, फेंक दे। क्या है ये, कौन लाया इसको? पापा है? बुल्ली को नहीं ले जाएगा? नहीं। ये आपके समझ में इसकी भाषा नहीं आ रही होगी, ये बोला है गढ़वाली। हिंदी हिंदी नहीं आती है? आती आती है।
काव्या, ये काव्या को नहीं मारता, बाकी सबको मारता है। इसको पता है वो छोटी बच्ची है ना। काव्या उसको मारती है? नहीं मारते, नहीं। कोई जानवर बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, देखो कुछ नहीं बोल रहा है। आप देखो मैं जा, ये देखो। और इस साइड मम्मी भी लगे हैं थोड़ा बहुत मदद करने पे। एक कटा फोड़ दोगे आज? इस काम करते करते शाम के 3 बज चुके हैं और यहाँ पता लगा कि ईंट की कमी हो रही है, और सरिया की भी, ईंट सीमेंट की कमी हो रही है। तो इस वजह से हमें पड़ोस के गांव धारकोट में जाना पड़ेगा। अब सारी चीजें आसपास आ गई हैं, लाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अभी मम्मी और मैं जा रहे हैं। गाइस पहुंच गए अपने पड़ोस के गांव धारकोट में और यहाँ पे थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं, सामान का थोड़ा बहुत डिस्काउंट करवाते हैं अपनी तरफ से। डिस्काउंट तो क्या लगना। मम्मी देखो यहाँ पे चेक कर रही हैं जालियाँ, खिड़कियाँ सॉरी। और ये हैं गाइस पहाड़ी स्वाल्टे, आपने देखा होगा, जिसपे महिलाएं घास लाती हैं। गाइस यहाँ से आपको धारकोट गाँव का पूरा व्यू देखने को मिलेगा। बाकी गाइस आजकल धारकोट गाँव में चल रही है पांडव लीला और 19 तारीख को है चक्र व्यू, तो आप लोग जरूर आएं कल। क्या भैया बोला, लड्डू खा ली है? या खाओ खाओ खाओ। फिर गंदी बात, लाइटर नहीं, करंट लगेगा। गुड बॉय। क्या लगेगा? भुली को प्रणाम करो। गुड बॉय। बहुत प्यारी है यार ये, इसका देखो माथा कितना बड़े लगता है। हमारे घर में तो बहुत कम संतरे माल्टे हैं, लेकिन यहाँ क्या बोलना, अंधाधुंध है। देखो नीचे कितने सारे घिर रखे हैं, कोई पूछ ही नहीं है। अब जो इलाका ठंडा होता है ना, वहाँ के लोग कम ही खाते हैं संतरे माल्टे, तो वहाँ ऐसी खत होती है। ये तो ऐसा भरा पड़ा था ना ये पेड़, क्या बताऊँ आपको, धीरे धीरे सारे नीचे गिरे हुए हैं। कुछ इस साइड इस पेड़ पे हैं, ये है मौसमी का पेड़ स्पेशल। ये देखो कितने सारे हैं, कुछ उस साइड हैं और पेड़ इस साइड हैं। ये सारे खाने के बाद भी इतने सारे बचे हुए हैं, ये देखो। आ जाओ आप लोग भी। शाम के 5:30 बज चुके हैं, बाकी मम्मी आज यहीं रुक रही हैं। बाय काना, काना भी यहीं रुकेगा। ये हाथ कैसे हो गए गंदे? बोल मौसा से हो गया। मौसा हो गया। हाँ, मौसा उसको बोलते हैं जो तवे का पीछे का रहता है। ठीक है मम्मी, बाय। अच्छा ठीक है, दादाजी प्रणाम, बैठो तब, बाय। अभी काम फिनिश हो चुका है, शाम के 5:30 हो गए हैं, तो हम भी अपने घर की ओर चलते हैं। अरे प्रणाम है, बैठो भाई, चलते हैं। असली खतरनाक सड़क तो यहाँ से शुरू होती है भाई, गारे ही गारे दिखाई देंगे आपको। नज़र हटी और दुर्घटना घटी, ये समझ लो। ये देखो सामने जो दिख रहा है आपको, वो जंगली मुर्गे हैं। ये जंगली मुर्गे ऊपर चले गए। ये देखो जेसीबी वाले भी काम निपटा के घर जाने लगे हैं। भाई गाइस यहाँ देखो भाई, रात के समय भी लोग काम पे लगे पड़े हैं। दादी जी रिंकू भाई इस टाइम भी पीछे नहीं छोड़ रहा, आज तो लोल हो गया। इसकी आंखें कितनी खतरनाक दिखाई दे रही है। अब मैं बढ़ता रहूंगा, ये भी आगे आगे आता रहेगा। आज तो रात का कंटेंट भी मिल गया। अभी गाइस मैं घर से काफी दूर आ गया हूँ, फिर भी भौंक ही रहा है भाई। मेरे को खुद अब डर लग रहा है, क्योंकि शेर सूर भी आ सकते हैं भाई ऐसे टाइम पे। जैकी को उठाने का समय यही था 7 बजे शाम के। इस टाइम मैंने अपने फोन में ओपन कैमरा ऐप डाउनलोड किया है, जिससे वीडियो क्वालिटी काफी साफ आ रही है। और नया फोन तो अभी लेंगे, 1-2 साल में तो ले ही लेंगे। अभी घर पहुंच चुका हूं और साक्षी देख रही है यहां पे स्पेशल न्यू डिश। कौन सी? बैंगन का भरता बना रही थी। हमारे यहां दो स्पेशल तो आता है, पर उससे और अच्छा बनाने की कोशिश कर रही हूं। आजकल बहुत गर्म होता है। ये देखो इसको कुछ ना कुछ काटने से मतलब है, तो आज हम बनाएंगे बैंगन का भरता। ओए शैतान शैतान। अभी बैंगन का भरता भी खा लिया, मस्त और जबरदस्त हो रहा था। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक ब्लॉग देखने के लिए। नीचे एक ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको जरूर दबाएं, ताकि जो भी नई वीडियो डालूं आप तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, बाय।